नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं पूनम पांडे के बारे में। पूनम पांडे इज ट्रूली वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। थोड़े दिन पहले मैं ऑफिस में पहुंची, मैं काम कर रही थी और मेरा एक कलीग आया और वो मुझे कहता है कि भाई पूनम पांडे डाइड। और मेरी फटके 40। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो ठीक थी। कहता सर्वाइकल कैंसर हुआ है, इंस्टाग्राम देखो, उन्होंने पोस्ट डाला। आई सॉ दिस पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वाज लाइक हाँ, it didn't make sense at all. I truly felt really sad. बहुत बुरा लग रहा था यार, बट एक बात की खुशी थी कि अच्छा हुआ मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली थी, पैसे वेस्ट हो जाते ना यार। पर फिर suddenly, randomly, out of nowhere, Poonam Pandey's Instagram account posted this. I'm alive. How that makes sense? This morning is a tough one for us. Deeply saddened to inform that we have lost our beloved Poonam Pandey to cervical cancer. Every living form that ever came in contact with her was met with pure love and kindness. In this time of grief, we would request for privacy while we remember her fondly for all that we shared. I really want to know what excuse Poonam Pandey has to just come back to life casually. I'm alive. I didn't die because of cervical cancer. अच्छा वो आपने बता दिया, मुझे लगा स्वर्ग से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता ना, भगवान को कैमरा पकड़ा दिया हो। आपको बात करते देख मुझे कैसी समझ में आ जाएगा कि आप अभी भी अलाइव हो। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. Yari bhai, main to nahi mari, but dusre mar rahe hain, tum dekh lo apna. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.poonampandeyisalive.com. ये अवेयरनेस फैलाने का तरीका थोड़ा ज्यादा कैजुअल नहीं है क्या? मानना पड़ेगा पूनम पांडे इज अ ग्रेट एक्टर। शी एक्टेड लाइक शी डाइड एंड देन शी केम बैक टू लाइफ कैजुअली। दैट्स ग्रेट एक्टिंग। आई एम नॉट गोना लाई, बचपन में मैंने भी बहुत सोचा है कि मैं मर जाऊंगी तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, और मैंने सोचा भी था कि थोड़ी एक्टिंग कर लूं ताकि मैं जान पाऊंगी दूसरे क्या बोलेंगे मेरे बारे में मेरे जाने के बाद। मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे बचपन में ऐसे थॉट्स आते थे कि नहीं, शायद मेरा थोड़ा ट्रॉमेटिक सैड बचपन था, पर ये मेरे बचपन के थॉट्स थे। पूनम पांडे की करंट थॉट्स है। शी ट्रूली लेट हर इंट्रूसिव थॉट्स विन। मैं जानना चाहती हूँ ये कैंपेन के बारे में किसने सोचा। अगर ये डिसाइड हो रहा होगा होने का तो एक कोई मीटिंग वीटिंग हुई होगी ना। अवेयरनेस करते हैं। किसकी करनी है? सर्वाइकल कैंसर। पर इसमें मेरा क्या फायदा? डाउट तो जेन्युइन है। मार देते हैं आपको। हाँ यार, इससे अटेंशन तो बढ़िया मिलेगी। सच्ची ठीक है। हाँ, जब इसकी मीटिंग हो रही होगी तो वहां पे एटलीस्ट 3-4 बंदे तो होंगे। एक पूनम पांडे खुद, एक उसकी मैनेजर, दो बंदे समझ लो पीआर टीम से आए हैं। अब अगर मिनिमम 4 लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी के दिमाग में भी 1 सेकंड को नहीं आया कि हम ये क्या कर रहे हैं? मतलब एक थोड़ा सा भी थॉट तो आ सकता है ना कि भाई ये तो शायद चुतियाप है। It turns out that Shubhang was the agency that was responsible for executing this campaign. मैं तुम्हें genuinely अगर मेरा perspective बताऊं, this whole thing was a very cheap stunt. But it's true that they did raise a lot of awareness. मैं अगर खुद की बात बताऊं, तो I was not aware of this vaccine. I'm 21 years old and I should have gotten the vaccine by now, but I haven't because I was unaware. जो तरीके से इन्हें किया है, वो बड़ा बेकार तरीका है, but it worked. ये screenshot से तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा कि पूनम पांडे की डेथ की वजह से सर्वाइकल कैंसर के बारे में सर्चेस कितनी बढ़ गई थी। The point of an awareness campaign is to spread awareness and they did that. I'm not saying that they did it in the right way, but they succeeded. Sorry बोलने की बात है, sorry बोलना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही अजीब चीज है ये, बहुत बेकार तरीका ये करने। They basically used the wrong means to achieve the right thing. I'll say that personally इस campaign की वजह से I'm gonna go get my vaccine. मुझे पहले इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था एंड दैट्स व्हाई पर्सनली आई एम नॉट दैट मैड। सारे इंटरनेट पे जाके चिल्ला रहे कि बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट कर दो, ये वो। ऑल द पार्टीज इन्वॉल्वड इन दिस डू नीड टू अपोलोजाइज। बहुत ज्यादा ही चीप तरीका है कोई अच्छी चीज करने के लिए, पर आई एम श्योर दैट दिस विल रिजल्ट इन अ लॉट ऑफ लाइव सेव। इसीलिए मुझे इतना ज्यादा गुस्सा भी नहीं आ रहा, इन्हें सॉरी बोला मैं एक्सेप्ट करती हूँ और मैं कहना चाहूंगी थैंक यू, क्योंकि अगर ये स्टूपिड कैंपेन तुमने किया नहीं होता तो मुझे पता नहीं होता। शायद ये मेरी लैक ऑफ नॉलेज, बट मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे जिनको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं। एंड दैट वाज ट्रूली द पॉइंट ऑफ द कैंपेन। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रही हूँ उन्होंने सही किया, बट मैं कह रही हूँ कि उन्होंने जो किया उसका पर्पस सर्व। जाओ भाई सारी अपनी HPV वैक्सीन का शॉट लगाओ। द वैक्सीन इजंट जस्ट फॉर वुमेन, इट्स आल्सो फॉर मेन। लड़कों को भी इस वैक्सीन की जरूरत है बिकॉज़ इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम HPV रिलेटेड कैंसर्स। सारे लड़के और लड़कियां फ्रॉम द एज ऑफ 9 टू 26 कैन गेट देयर HPV वैक्सीन। ये सारी बातें मुझे पता नहीं होती अगर ये स्टूपिड सा कैंपेन नहीं हुआ होता तो। पर अगली बार यार थोड़ा ढंग का तरीका ढूंढ लो कैंपेन का। अगर परसों के दिन पूनम पांडे एक्चुअली मर जाए ना,
कोई भाव नहीं देगा भाई, सेम टू सेम शेर आया वाली कहानी जैसा हो जाएगा। मैं इस कंसर्न टीम को कहना चाहूंगी कि यार थोड़ा क्रिएटिव सोच लो। पूनम पांडे की डेथ की न्यूज के बाद देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्लट शेमिंग हर आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। लोग बहुत गंदे गंदे कमेंट्स डाल रहे थे। पूनम पांडे जब एक्चुअली अलाइव थी बिफोर प्रिटेंडिंग दैट शी डाइड तब भी लोग ऐसे कमेंट्स करते थे, बट व्हेन शी एलिजिबली डाइड तब भी लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। वो तो बड़ी नीच हरकत है, मैं चाहूंगी नहीं कि ऐसा हो, बट अगर तुम्हारी फैमिली में डेथ आया और तुम्हारे साथ ऐसी बातें कोई कर रहा हो तो अच्छा नहीं लगेगा यार। इंटरनेट पे लोग ज्यादा ही खुलते जा रहे हैं और मेरा इससे ना दिमाग सटक रहा है, पर वही सारी बातें और गप्पे लड़ाने के लिए मैं अभी यहाँ। That's truly what this channel is about. I sit down here and talk to you about everything that pisses me off on the internet or probably makes me laugh. I truly love posting videos on this channel. मतलब जब भी मैं डालती हूँ, जाओ जाके मेरे दूसरे व्लॉगिंग चैनल पे भी दर्शन कराओ। उसी के साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक करो, कमेंट करो एंड भाई सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो चलो बाय। ये नशा न चढ़ जैसे तू पिला।